एक बार फिर स्वागत है आपका यूके बुलेटिन में। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों पर। चंपावत के पार्टी ब्लॉक के स्वयं सहायता समूह को कृषि विभाग के द्वारा मुफ्त में कृषि उपकरण उपलब्ध कराए गए। मुफ्त में कृषि उपकरण पाए जाने पर स्थानीय महिलाओं ने सहायक कृषि अधिकारी बहादुर सिंह न्याल का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बैलों से खेतों की जुताई की जाती थी, हर पुरुष ही हल चलाते थे। महिलाओं का कहना है कि अब हम महिलाएं पावर बिल्डर से खेतों की जुताई कर सकते हैं और अब महिलाएं पुरुषों पर निर्भर नहीं रहेंगी। विकास खंड पार्टी के न्याय पंचायत देवीधुरा में महिला कृषक समूह को पावर वीडर हम लोगों के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। आज माननीय क्षेत्र पंचायत प्रमुख पार्टी महोदया की उपस्थिति में और ग्राम प्रधान वालिक श्री बिस्टी जी की उपस्थिति में कृषक समूह देवीधुरा को हम लोगों के द्वारा निःशुल्क पावर वीडर समूह को उपलब्ध करा दिया गया है। नैनीताल में मंडलायुक्त सुशील कुमार ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत मंडल में चल रहे कार्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विस्तार से समीक्षा की है। मंडलायुक्त सुशील कुमार ने कहा कि योजना के तहत गांव के लोगों को आवासीय संपत्तियों को अभिलेख में पूरा दर्ज किया जाएगा। योजना के अंतर्गत गाँव में संपत्तियों की ड्रोन मैपिंग के माध्यम से संपत्तियों का सही आकलन किया जाए ताकि गाँव के लोगों को स्वामित्व कार्ड जल्दी मुहैया कराया जा सके। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए बीजेपी की ओर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयं सेवक अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के तहत चमोली जिले में मंगलवार से स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। प्रशिक्षण के बारे में जानकारी देते हुए अभियान के सह संयोजक और नगर पालिका नंदप्रयाग के अध्यक्ष हिमानी वैष्णव ने बताया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश पर पूरे देश में 4 लाख स्वयं सेवक तैयार किए जा रहे हैं जो देश के 2 लाख गांव में पहुंचकर लोगों को कोरोना से बचाव के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक करेंगे। चमोली जिले में भी प्रत्येक गाँव के लिए 5-5 स्वयं सेवक तैयार किए जा रहे हैं जिन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है और जो गांव में जाकर लोगों को कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचने के बारे में जानकारी देंगे। हमारे जिला में राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयं सेवक अभियान का एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें कि हमने 18 मंडलों के 5-5 स्वयं सेवक रखे हुए हैं और उनको प्रशिक्षित करना है। यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा उनको प्रशिक्षित किया जाएगा और ट्रेनिंग दिया जाएगा कि आगा कनकल थाना क्षेत्र के गांव पंजन हेड़ी में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। बाइक पर सवार 2 युवकों ने चलती बाइक फायरिंग करते हुए असले लहरा रहे थे। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। फायरिंग करने की इस घटना को लेकर ग्रामीणों ने पुलिस से की। पुलिस ने मामले की अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर युवकों की तलाश शुरू कर दी है। ये सूचना हमें मिली थी 14:15 की रात को पंजनहेड़ी गांव में कि कुछ लोग बाइक से जा रहे थे और उनके द्वारा हवा में फायरिंग की गई। तत्काल हमारी टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंची हमने सीसीटीवी कैमरे देखे जिसमें 3 बाइकें आ रही हैं जिसमें कुछ लड़के हैं और उनके द्वारा हवा में चूँकि तमंचा लगाया जा रहा है चूँकि उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं थी तो फायरिंग की आवाज़ जो प्रत्यक्षदर्शी जो वहाँ पर थे उन्होंने बताई थी। तत्काल हमारे द्वारा इसमें मुकदमा आ गया। ब्रह्मपुरी रावली महदूद में ड्रग इंस्पेक्टर अनिता भारती ने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की कार्रवाई की। आपको बता दें कि लंबे समय से ब्रह्मपुरी रावली महदूद में मेडिकल स्टोर के माध्यम से नशीली दवाओं की बिक्री की सूचना मिल रही थी जिसके चलते ड्रग इंस्पेक्टर अनिता भारती ने छापेमारी की कार्रवाई की। ड्रग इंस्पेक्टर अनिता भारती ने बताया कि बहुत सारे इंजेक्शन ऐसे हैं कि जिनको एक निश्चित टेम्परेचर पर रखा जाता है जिसके लिए फ्रिज की आवश्यकता पड़ती है। मेडिकल स्टोर संचालकों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी व्यवस्था दुरुस्त करें। लगभग 10-12 मेडिकल स्टोर चेक किए हैं रावली महदूद सलेमपुर और ये दादूपुर यहाँ पे।
मोस्टली जो देखने को मिल रहा है, कई बार इन लोगों को बताने के बाद भी जो मेडिकल स्टोर वाले हैं वो दवाइयों का जो स्टोरेज है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, फ्रिज में अगर स्टोर किए हैं दवाइयाँ तो उसको फ्रिज को जाते हुए घर जाते हुए बंद कर देते हैं। उनका उन्हें लगता है कि शायद हम बिजली की बचत कर लेंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई दवाई की स्टोरेज अगर 2 to 8 degrees centigrade है तो वो उसी में टेम्परेचर पर मेनटेन रहनी चाहिए, अदरवाइज उसकी जो गुणवत्ता है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और जो कस्टमर उस दवाई को ले रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए एक रुद्रप्रयाग के सुमारी बिराड गांव जखाला मोटर मार्ग ने न बनाने की वजह से ग्रामीण पिछले 5 दिनों से धरना दे रहे हैं, जिसे वन विभाग के आश्वासन के बाद खत्म कर दिया गया। लेकिन ग्रामीणों ने प्रशासन की चेतावनी दी है कि अगर जल्दी ही मोटर मार्ग का निर्माण नहीं करवाया गया तो दोबारा से अनिश्चितकालीन धरना शुरू होगा। दरअसल वर्ष 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने बिराड़ा गांव जखाला मोटर मार्ग की घोषणा की थी, लेकिन एक दशक बीत जाने के बाद भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। हमारी वर्षों से सड़क की मांग थी। ये सड़क 2010 से प्रस्तावित थी और इस सड़क पे कुछ भी कार्रवाई न होने के कारण हमें मजबूरन धरना प्रदर्शन करना पड़ा। आज 5वें दिन ये धरने का आखिरी दिन रहा और मैं विभाग का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने जो हमें मीन जो दिक्कत थी हमारी क्षतिपूर्ति जमीन की थी वो आज हमें आश्वासन दिया है। ये 7.5 हेक्टेयर जमीन चिन्हित हुई है और ये हमने आरक्षित वन में की है और ये उच्च स्तरों के माध्यम से हुई है जमीन। इसमें काफ़ी टाइम से प्रोसीजर चल रही थी। कई गांव वालों का कुछ रोध था जिस कारण जमीन नहीं मिल पा रही थी, तो अभी प्रोसीजर कम्प्लीट हो गया है। उत्तराखंड के बुलेटिन में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।